अस्सलाम वालेकुम। एक बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज है जो मैं आम लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूं। ये एलजीएस स्कूल की प्रेप के बच्चों की बुक है। इसमें मंथ्स के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है। अगर आप देखें आगे जिन चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा रहा है मंथ वाइज, उसमें इवेंट आ रहे हैं जिसमें हेलोवीन का जिक्र है, क्रिसमस का जिक्र है, वैलेंटाइन का जिक्र है, गाय फॉक नाइट का जिक्र है। वैलेंटाइन, क्रिसमस, हेलोवीन, जिनसे हमारी नस्लों का कोई ताल्लुक नहीं है, उस बारे में हमारे आने वाली नस्ल को पढ़ाया जा रहा है। गाय फॉक नाइट के बारे में आप लोग ज़रूर गूगल पर सर्च करें। ये कैथोलिक क्रिश्चियंस के बारे में है। गाय फॉक कौन बन, जो एक नाम है गाय फॉक एक बंदे का, इसके बारे में आप स्टडी करें, गूगल में सर्च करें, आपको पता चलेगा कि ये किस इवेंट को डिस्क्राइब करता है। इसकी हिस्ट्री चेक करें। मुझे बड़ा अफसोस हुआ अपने बच्चे की बुक देख के कि हमारी आने वाली नस्ल क्या सीखेगी। क्या हमारे पास इस्लामी हिस्ट्री ख़त्म हो गई है? क्या हमारे इस्लामी लोग जो जिन्होंने इस्लाम को फैलाया, जिन्होंने इस्लाम के लिए अपनी जानें कुर्बान की, क्या कोई ऐसा टॉपिक, क्या कोई ऐसी चीज़ एक्सप्लेन नहीं की जा सकती? हम लोग इतने विक्टमाइज हो रहे हैं, हम लोग अपने बच्चों को विक्टमाइज होता देख रहे हैं एक लॉबी के तहत। अब अगला पेज में टर्न करता हूँ। ये संडे लिखा हुआ है, ये दिखा रहे हैं कि ये चर्च जा रहे हैं, एक प्रेप के बच्चा है। तो ये लिखा जा रहा है, मैं आगे राइटिंग है बच्चे की, मैं इसलिए इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा। चर्च ऑन संडे, इट कुड बी मॉस्क ऑन फ्राइडे, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज़ चर्च ऑन संडे। एज ए पेरेंट्स हम लोगों की ड्यूटी है कि हम अपनी आवाज़ बुलंद करें और प्लीज़ खुदा रा जागें इससे पहले देर हो जाए। हम लोगों ने अपने बच्चों में ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ी, लेकिन हमारी नस्लों में खून में ये चीज़ें शामिल की जा रही हैं। खुदारा जागिए और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि ये इकतदार तक के जो हुक्मरान हैं उन तक भी पहुंच सके, और कोई हमारा स्कूल का निज़ाम, बच्चों की तालीम का निज़ाम कुछ बेहतर हो सके। आमीन।